जाता है शाउल के पास। शाउल को कहता है कि क्या हुआ, युद्ध कैसा हुआ? तो शाउल कहता है युद्ध बढ़िया हुआ और सबको हमने हरा दिया, सबको मार दिया हम लोगों ने जीत हासिल की। परमेश्वर ने जो कहा था वो हमने कर दिया और सबको अपनी कैदों में ले लिया। मगर सैमुएल को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो थी भेड़ बकरियों की आवाज़ें और भैंसों की आवाज़ें और गधों की आवाज़ें और उनके जानवरों की आवाज़ें, जो कि अमालेकियों के देशों से ये लोग लेके आए थे। सैमुएल शाउल से पूछता है कि इस चीज़ की आवाज़ें मुझे क्यों सुनाई दे रही है। तो शाउल वो सैमुएल से कहता है कि जो अच्छी वस्तुएं नहीं थी उसको हम लोगों ने नाश कर दिया है, लेकिन जो अच्छी अच्छी वस्तुओं थी उसे हम लोग लेके आए हैं तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए। हे भाई और बहनों, उसकी बातों में भी चेंज आ गया था। उसने सैमुएल से कहा कि हम तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए हम इसे ले आए हैं। हे भाई और बहनों, तब सैमुएल शाउल से कहता है, ये तूने क्या किया, मैंने तुझे क्या करने के लिए कहा था, मैंने तुझे एक सिंपल सी एक ही एक बात बताई थी कि जाना, अमालियों के ऊपर दयाना दिखाना, उनको नाश कर देना, किसी को भी नहीं छोड़ना, ना ही राजा को और ना ही उनके जानवरों को, क्योंकि ये लोग पापी हैं। इन्होंने परमेश्वर के विरोध में आके इसराइलियों को सताया और परमेश्वर के लोगों को इन लोगों ने नाश किया, लेकिन तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, अपनी मर्जी की है करके। हे भाई और बहनों, शाउल तो कहता है मैंने पाप किया है परमेश्वर के विरोध में, चला मेरे साथ मिलके प्रार्थना कर परमेश्वर के सामने, कहीं परमेश्वर मुझे नाश ना कर दे। तब सैमुएल उसे याद दिला रहे हैं, क्या तू भूल गया कि सबसे छोटा गोत्र था तेरा और तुझे परमेश्वर ने चुना था राज्य करने के लिए, प्रजा को चलाने के लिए, ताकि परमेश्वर की इच्छा को तू पूरा कर सके और परमेश्वर की इच्छा को तू सारे इसराइलियों को तू चला सके। अगर तू राजा, अगर शाउल को बना दिया है, अगर शाउल ही परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगा तो बाकी के लोग कैसा मानेंगे। हे भाई और बहनों, हमारे जीवनों में भी कुछ इसी तरह से होता रहता है। कभी कभी परमेश्वर हमें कोई चीज़ करने के लिए कहता है कभी कभी इन चीज़ों से दूर रहे, कभी कभी कहता है कि ये चीज़ें जो परमेश्वर के लिए ठीक नहीं हैं वो हमारे लिए हमारे जीवन में भी कभी कभी होना ज़रूरी नहीं होता है। तो ये बातें हमें पता है, पवित्र आत्मा के द्वारा पता चलती हैं हमें और पवित्र आत्मा हमसे बात भी करता है, लेकिन कभी कभी हम सारी चीज़ें करते हैं फिर जाके अपनी ही मनमानी कर देते हैं। कभी कभी हमारे दोस्त जो है पीने खाने वाले होते हैं, हम जाके उनके साथ बैठ जाते हैं और ये कहते हैं, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके शांत, चलो कोई बात नहीं, अगर हम नहीं पी रहे हैं, अगर शराब पीने की या बीड़ी पीने की हमारे अंदर आदत नहीं है, लेकिन जाके उनके साथ बैठ जाते हैं। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा हुआ है कि पापियों की संगति ना कर, उनके साथ बैठ भी ना और उनके साथ बैठ के खाना भी ना खा। हे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे छोटे छोटे पाप जो हमारे जीवन में हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता है। परमेश्वर हमें उद्धार देता है, परमेश्वर हमें चुनता है, परमेश्वर हमें अभिषेक करता है उसके काम के लिए। जैसे जैसे हम लोग जब उसके काम के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, हमारे जीवन में जो है बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ के उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरत है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है, यहाँ पे शाउल ने भी यही किया। शाउल को जब सैमुएल ने बोला था कि जाके युद्ध कर वहाँ के लोगों से,
अमालेकियों के साथ विरोध में जाके युद्ध कर और उन्हें हरा देना और उन्हें सारी चीज़ों को नाश करना, किसी के ऊपर दया ना दिखाना, ना ही उनके राजाओं के ऊपर, ना ही उनके भेड़ बकरियों के ऊपर। मगर शाऊल ने वहाँ तो गया, उसने युद्ध भी किया और उस युद्ध को वो जीत भी लेके आया, लेकिन उनके राजा के ऊपर उसने दया दिखाई और उसे कैदी बना लिया। जो उनके अच्छे अच्छे भेड़ और बकरियाँ थे उन्हें अपने पास लेके आ गया ताकि वो खुद खा सके और परमेश्वर को बलि चढ़ा सके। हे भाई और बहनों, क्या परमेश्वर का वचन यही कहता है? परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी थी कि ऐसा मत करना।